भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है तो पड़ोसी देश पाकिस्तान इस पर मजे ले रहा है। मंगलवार को पाकिस्तानी मीडिया ने अफवाह उड़ाई थी, सिक्किम सेक्टर में चीनी सेना द्वारा भारत पर रॉकेट से हमला किया गया है और इस हमले में 150 सैनिक मारे गए हैं। यूं तो चीन और पाकिस्तान काफी पक्के दोस्त हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की इस फर्जी खबर को चीन का सपोर्ट नहीं मिला। इस तरह की फर्जी खबर चलाने के लिए चीन ने पाकिस्तान को जोरदार लताड़ लगाई है और इस खबर को निराधार बताकर खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को एक पाकिस्तानी चैनल ने हमले की ये झूठी खबर चलाई थी। भारत पहले ही इस खबर को फर्जी बताकर खारिज कर चुका है। पीपल्स डेली के मुताबिक भारत में स्थित चीनी दूतावास ने इन खबरों की आलोचना की है। गौरतलब है कि भारत चीन और भूटान सीमा पर भारत और चीन के बीच पिछले एक महीने से विवाद चल रहा है। दोनों देशों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, जिस कारण स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण बन गई है। हालांकि भारत की तरफ से विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने की कोशिश जारी है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।